ये मूवी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। जो कमजोर दिल वाले हैं वो वीडियो को यहीं पर ड्रॉप कर सकता है, और जिसका दिल कमजोर नहीं है चलिए उसके साथ वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये मूवी लिस्ट अडल्ट और हॉरर और खतरनाक से भरी पड़ी है, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी मूवी देखूं जिसे देखने के बाद 10 दिन तक याद रहे कि हाँ मैंने ये मूवी देखी थी, तो ये लिस्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस लिस्ट में 5 ऐसी खतरनाक अडल्ट हॉरर मूवी है जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए मूवी का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, इट्स मी बीजे, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। नंबर 5 पे है इट्स फॉलो। इस मूवी के अंदर एक लड़का है जिसको श्राप मिला है। उसे हमेशा लगता है कि एक लड़की उसका पीछा कर रही है, और ये लड़का जिसके साथ इंटीमेट होता है वो श्राप उसे मिल जाता है। सिर्फ उसे ही दिखाई देता है कि एक लड़की उसका पीछा करती है, सिर्फ उसे ही दिखाई देता है। और वो जिसके किसी और के साथ इंटीमेट होता है तो वो श्राप उसे मिल जाता है, और वो किसी और के साथ इंटीमेट होता है तो ये श्राप उसे मिल जाता है। और ये श्राप है क्या, और ये श्राप क्यों मिली है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये सब आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। पर इस मूवी में आपको हॉरर एलिमेंट के साथ साथ न्यूडिटी और इंटीमेट सीन भी देखने को मिलने वाला है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.8 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है अंडर द स्किन। ये एक साईफाई हॉरर मूवी है जिसमें एक एलियन दिखाया गया है, और वो एलियन एक ऐसे इंसान को टारगेट करता है जो कि अकेला खुद को फील करता हो, उसके आगे पीछे कोई ना हो। एक वैसे इंसान को टारगेट करके उसके साथ इंटीमेट होकर उसे मार देता है। और वो एलियन कहाँ से आया है और वो एलियन ऐसा क्यों कर रहा है, ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। पर इसमें हॉरर के साथ साथ अडल्ट सीन भी देखने को मिलने वाला है, वो भी काफ़ी ज़्यादा। तो बेहतर होगा कि ये मूवी आप अकेले में ही देखो। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.3 की रेटिंग मिली है। नंबर 3 पर है हेलराइज। इस मूवी के अंदर एक बॉक्स को दिखाया गया है जिसका यूज करके दूसरे डायमेंशन का रास्ता खोल सकते हैं, और उस डायमेंशन से एक ऐसा जीव बाहर आता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 6 की रेटिंग मिली है। नंबर 2 पर है द विचर्स ऑफ ईस्ट वेक। इस मूवी में 3 लड़कियां को दिखाया गया है जिसका हस्बैंड उस सभी को छोड़कर चला गया है, और वो तीनों लड़की डिसाइड करती है कि वो दोबारा से शादी करेगी, पर शादी करेगी एक विचर हंटर से जो कि एक घोस्ट होता है। वो तीनों लड़की क्यों एक ही लड़का से शादी करती है, ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। इस मूवी में आपको हॉरर एलिमेंट के साथ साथ न्यूडिटी भी देखने को मिलने वाला है, और इस मूवी को IMDb की तरह से 6.5 की रेटिंग मिली है। नंबर 1 पर है आई स्प्रिट ऑन योर ग्रेव। इस मूवी में एक लड़की को दिखाया गया है जो कि एक राइटर होता है, जिसे एक नॉवल लिखना होता है जिसके लिए वो एक ऐसी घर की तलाश में लग जाती है जो कि सुनसान और सुकूनदायक हो, जंगल में हो। वो लड़की एक हॉन्टेड घर को परचेज कर लेती है नॉवल लिखने के लिए, जिसके अंदर जिस घर के अंदर भूत होता है, और वो भूत उस लड़की को उसी घर के अंदर कैद कर देती है हमेशा के लिए, और वो लड़की उस घर से बाहर आ पाती है या नहीं ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। और इस मूवी में आपको हॉरर थ्रिल और न्यूडिटी भी देखने को मिलने वाले हैं, जिसको IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है। तो आज के लिए इतना ही। आप बताइए आपको इन मूवी लिस्ट में से कौन सी मूवी आपको पसंद आई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।